अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हाल चाल यार। तो आज वो मैं काम करने जा रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। वो ये कि आज मैं अपनी गंज करवाने जा रहा हूँ। वो इस वजह से क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो बातें मैं बाद में बताऊँगा। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और बस चलते हैं अभी फिर। के ठंड के साथ क्या मसला है, जिस दिन मैं व्लॉग कर रहा हूँ उसी दिन ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यार आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आगे से लग रही है मुझे और हालत बुरी हो रही है। गंज करनी है तो अभी मैंने वहाँ से ये परचेज़ किया है। ये मैंने कैप ऐसे पहनी हुई थी लेकिन यार उससे फिर भी मुझे ठंड लग रही थी, तो अभी ये मैं पहन लेता हूँ। अभी ये टॉर्च को मैं टांका लगवाने आया हूँ, तो ये काम है बस, उसके बाद घर जाना है। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं होटल में आया हूँ कॉफ़ी पीने। तो यार मैंने कहा जब तक कॉफ़ी आए तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। तो बात नंबर एक कि मैंने गंज क्यों करवाई, तो उसके पीछे एक रीज़न है कि मेरे बाल एक तो बहुत कमज़ोर हैं और ऊपर से बहुत सफ़ेद होते हैं, और जब मैं बाल को ऐसे हाथ लगाता हूँ ना तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इस वजह से मैंने गंज करवाई है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि मैंने ज़ैनुल आबिदीन को देख के मैंने गंज वगैरह करवाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद 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 कि आने वाला जो अगला ब्लॉग होगा वो शायद हॉरर ब्लॉग हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई है। तो अगर हो गया तो मैं अपलोड कर दूँगा और उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। और एक और चीज़ हमारे चैनल पे आने वाली है, वो शायद अगर आ गई तो वो अपलोड कर दूँगा। ना वो कोई शॉर्ट फिल्म है ना कोई कॉमेडी है, बस एक अलग चीज़ है वो, तो जब आएगी फिर मैं बताऊँगा। कॉफ़ी आ चुकी है और अब मैं इसे पीता हूँ। टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो अभी घर भी जाना है, तो जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीता हूँ। Running through the money but the money's long, I don't love it but I need to keep it coming on, only family me and friends we don't get along, I put that on my name. यार कॉफी वगैरह पी ली है और अब निकलते हैं बस। वगैरह पी के अब घर को जा रहा हूँ, और अभी मुझे याद आया कि मैंने खोपरे का तेल भी लेना है, वो सर में लगाना है, तो अभी बस वही लेना है, उसके बाद घर जाना है बस। 12 या 1 बज रहा है, तो अभी तक सूरज कहीं भी नहीं निकला, बादल ही बादल हैं। तो यार अभी मैं घर पे आया हूँ और मुझे पता चला है कि मैंने दो चीज़ें भूल चुका हूँ। एक जो है वो शक्करकंडी लेकर आनी थी और तोते के लिए अमरूद लेकर आने थे, तो अभी वो लेने जाने। ओहो कोई ठंडी हवा है भाई, नहीं चलाई जा रही बाइक भाई मुझसे, बादल भी हैं ऊपर। अभी मैं घर आ चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और अब मैं थोड़ी देर रसाई में आराम करूँगा। तो यार लाइटिंग मैं सिर्फ व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वैसे मैं आम जिंदगी में इसे यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो मतलब 24 घंटे चलता है, और इसका कोई 2 या 3 बार मैंने तो बल्ब ही चेंज कर लिया है।
तो ये सिर्फ व्लॉगिंग के लिए मैं चलाता हूँ, बाकी तो लाइट मैंने कभी चलाई भी नहीं है। बाकी यही चलता रहता है। और अब कुछ बातें करनी है तो यार, जो बातें करनी है वो ये है कि मैं ना घरेलू व्लॉग से बहुत तंग आ चुका हूँ। मतलब रोज़ उठना, रोज़ वही काम शुरू करना, तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा इस व्लॉगिंग में। तो मैंने इस वजह से ये व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी कि मैं घरेलू व्लॉग बनाऊंगा, बल्कि इस वजह से शुरू की थी कि मैं घूमूंगा, बाहर जाऊंगा, नई चीज़ें दिखाऊंगा आपको। लेकिन वो हो नहीं रहा, और इस वजह से क्योंकि एक तो ना घर से मुझे परमिशन मिलेगी, और एक तो पढ़ाई भी है, अभी स्कूल शुरू भी हो चुके हैं तो पढ़ाई भी है, और पेपर्स भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैंने कुछ प्लान किया है, और वो प्लान ये किया है कि मैंने दराज से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाऊंगा, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन वो दराज से मैं प्रोडक्ट मंगवाऊंगा, फिर उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह जो भी हो वो करेंगे। तो मैं कभी कभार मतलब घूम भी लिया करेंगे जब मौका मिलेगा। तो यार यही कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी और मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो यार उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद है। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अगर ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर और ज़्यादा पसंद आया तो दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बस बाल थोड़े कमजोर हैं। बाल थोड़े कमजोर हैं इस वजह से। I guess that's why they envy me.